अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे को लेकर कांग्रेस ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की संवेदना उन लोगों के साथ है जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। इसके साथ ही शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि इस तरह के हादसे पहले भी होते आए हैं और आज जिस तरह से अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, इसमें बिल्कुल परिवहन विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। साथ ही कहा कि जो लोग इस सड़क हादसे का शिकार हुए हैं उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। अल्मोड़ा में भयंकर सड़क हादसे की जो खबर सामने आई है, ये हृदय विदारक घटना है, बड़ी ही दुखद घटना है और अभी तक जितने लोगों की जानें चली गई हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है और ये सीधे सीधे परिवहन विभाग की लापरवाही है। हम लगातार कहते रहे हैं कि बसों की फिटनेस के मामले में, ओवरलोडिंग के मामले में गंभीरता से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन आप देखिए ना, कहीं भी कोई चेकिंग नहीं है, कहीं भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के कारण आप देखिए निर्दोष लोगों की जानें इतनी मात्रा में चली गई हैं। ये राजनीति का अवसर नहीं है। मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और हम सरकार से मांग करेंगे कि मृतकों को कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में जो मुआवजे की घोषणा सरकार कर रही है वो तो ऊंट के मुंह में जीरी के समान है। और जो भी घायल है उनका निःशुल्क उपचार करवाया जाए, उनको भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत ही हृदय विदारक घटना है। कांग्रेस परिवार की ओर से इस घटना पर मैं अपना दुख प्रकट करता हूं और मृतकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की परमात्मा से प्रार्थना करूंगा।